सुबह से लेकर शाम तक आजकल बस इन्हीं दो चेहरों की चर्चा है। जिनको सब कुछ पसंद है, भिंडी को छोड़ के सब कुछ पसंद है, भिंडी नहीं खाते, पता नहीं कि उनको भिंडी से एलर्जी है, और वही भिंडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। चर्चा भी ऐसी कि दो मुल्कों के लोग इसमें उलझे हैं। इधर भारत में टीवी स्क्रीन्स और सोशल मीडिया पर सीमा ही छाई है, तो उधर सरहद पार भी सीमा और सचिन की ही बात हो रही है। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि चार बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शोर को छोड़ते हुए, जबकि शोर उसका जिंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान छोड़कर यूपी के ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा क्या वाकई में सचिन के लिए ही भारत आई है, या फिर उसका असली सच अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि कुछ लोग उसके पाकिस्तानी जासूस होने का शक जता रहे हैं। जीएनटी की टीम ने इन्हीं आरोपों और पहलुओं पर सीमा सचिन से बात की, लेकिन सीमा इन आरोपों से साफ इनकार कर रही है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब सच्चाई सामने आएगी तो फिर आप बात करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अपनी बेटियों के साथ हूँ, मेरी मासूम बेटियां हैं, मेरा बेटा है। ऐसा होता तो मैं अकेली ही आती, शायद पहली बार में जब आई तभी आती। अगर यहाँ ऐसा होता तो मैं खुद चल के वकील के पास नहीं जाती। कहा यह भी जा रहा है कि सीमा जिस ढंग से बोलती हैं और जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, वैसे दूसरे आम लोग नहीं कर पाते। वो कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद सोशल मीडिया फ्रेंडली है। इस पर सीमा का कहना है कि ऐसी तकनीक का इस्तेमाल आजकल हर कोई कर लेता है। बिल्कुल चला लेती हूँ, आजकल हर कोई चला लेता है। जो नहीं भी पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, वो भी चला लेता है। जिनकी 00 एजुकेशन है, क्या वो लोग नहीं चलाते? इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की बात करते इजी इजी शब्द ही आते हैं ज्यादा। एक साथ में इंग्लिश तो कभी बोल ही नहीं सकती, और कंप्यूटर कभी लोग कहें कंप्यूटर में कभी टच भी ना करा कि कंप्यूटर ओपन कैसे होता है। सवाल सीमा की बोलचाल को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि वो उर्दू के बजाय हिंदी शब्दों का ज्यादा प्रयोग करती हैं। उनकी बोली में यूपी का टच ज्यादा दिखता है, जबकि पाकिस्तान में इस तरह की भाषा नहीं बोली जाती। ऐसे में उन पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि सीमा को पूरी ट्रेनिंग के साथ भारत भेजा गया हो। हालांकि सीमा को अपनी पत्नी बताने वाले सचिन इस मामले में उनका बचाव करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ किसी नागरिकता दे, और अगर ये इस तरीका की होती तो हम क्या कहते हैं, वकील के पास हम खुद गए थे। हम 1.5 महीना से हमें नहीं, किसी को नहीं पता था कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। अगर हम इस तरीका के या इस तरीका की होती तो हम वकील के पास क्यों जाते? वकील को सब चीज हमने खुद ही बताया था। इन दिनों सचिन के घर पर उनसे सवाल पूछने वाले मीडिया कर्मियों और दूसरे लोगों का हुजूम दिन भर जुटा रहता है, तो आस पड़ोस में इन दोनों के किस्से कहानियों की चर्चा होती रहती है। सचिन सीमा को लेकर उनके पड़ोसियों के भी अपने अपने तर्क हैं। आप पबजी गेम जो बता रहे हैं, अभी जांच चल रही है, जांच चलने के बाद वो प्रक्रिया जो गवर्नमेंट कर रही है उसके ऊपर चलेगी, नहीं तो हमारे ऊपर चलेगी, नहीं आपके ऊपर चलेगी। जो जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही है उनके ऊपर क्लियर होगा सब मामला। उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और वो पूजा भी कर रहे हैं, तुलसा जी कर रहे हैं, वो मीट अगरह वगैरह, उन्होंने प्याज लहसुन तलक का छोड़ रखा है फिलहाल, सादा सिंपल खाना खा रही है। वो ऐसे नहीं है, घिया की सब्जी बनाई थी उन्होंने, और सचिन ने उन्होंने जो सचिन खा रहा है वही वो खाना खा रहा है। जाहिर है प्यार पबजी और पाकिस्तानी सीमा की कहानी की कई कड़ियां अभी उलझी हुई हैं। इन्हीं कड़ियों को सुलझाने में पुलिस और भारतीय खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं। सीमा जासूस है या मासूम, ये सवाल अब पेचीदा पहेली बन गया है।